नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। फारूक अब्दुल्ला ने की राहुल गांधी की शंकराचार्य से तुलना, बोले शंकराचार्य के बाद ऐसी यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। नेताजी की जयंती पर आरएसएस का कार्यक्रम में उनकी बेटी ने उठाए सवाल, कहा सिर्फ जुबानी सम्मान नहीं। अशोक गहलोत ने इंडिया पायलट का नाम लिए बिना किया वार, कहा कांग्रेस में आ गया बड़ा कोरोना। केंद्र पर बरसी ममता बनर्जी, बोली केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर किया वार, केंद्र सरकार पैसा भेजती है और यहां भ्रष्टाचार होता है। दिल्ली एलजी ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, बोली पिछले 8 सालों में सरकार ने एक भी स्कूल नहीं बनाया है। सिक्किम की विभिन्न मांगों को लेकर मोहन भागवत को सौंपा ज्ञापन, भाईचुंग भूटिया की पार्टी ने उठाई मांगे। जोशीमठ में भारी बर्फबारी, मकानों को गिराने का काम रुका, एनएच की रिपोर्ट, दरारों से निकला पानी तपोवन टनल का नहीं। पूर्व सीएम अमरिंदर की पत्नी भाजपा में होंगे शामिल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पटियाला में रैली स्थगित। म्यांमार की ओर से हवाई क्षेत्र का उल्लंघन, नई विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा नदी किनारे गिरा था बम। राहुल के साथ मार्च करने निकले फारूक अब्दुल्ला पहुंचे लखनपुर, बोले युवा होता तो मैं यात्रा की शुरुआत से ही साथ चलता। पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें, कहा धरने में पहुंचेंगे खेल मंत्री, ने खिलाड़ियों से अध्यक्ष के जवाब का इंतजार करने को कहा। दिल्ली में दीवारों पर लिखा खालिस्तान जिंदाबाद, रिपब्लिक डे की तैयारियों के बीच माहौल खराब करने की कोशिश। राहुल की यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची, रेनकोट में नजर आए पठानकोट बॉर्डर पर, कहा जानता हूं यहां के लोग पीड़ा में हैं। हिमाचल में बर्फबारी, माहौल की चोटियों से 4 इंच तक बर्फ, पंचमी काजा में तापमान 20 डिग्री। दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद वाराणसी पहुंचे नड्डा, ताज होटल में 45 मिनट तक की हाई लेवल मीटिंग। रेलवे पुल से नीचे गिरकर 2 युवकों की मौत, इटावा में रेलिंग से बाइक टकराने पर हादसा, गुरुग्राम से जा रहे थे औरैया। मोबाइल बिजी होने पर अब प्रेमिका को मार डाला, मिलने के लिए बुलाया फिर सिर पर मारी गोली, मिर्जापुर से खरीदा था तमंचा। बाकी बिहारी कॉरिडोर का विरोध 8वें दिन जारी, बोले इसकी जरूरत नहीं, यहां कुंज गलियां बिहारी जी की पहचान है।
राम जन्मभूमि ट्रस्ट का 1800 करोड़ का टैक्स माफ किया गया। अयोध्या मिली थी समर्पण अभियान में ट्रस्ट को मिले थे 5500 करोड़ रुपए। पति जी ने बेटी और बॉयफ्रेंड संग बनाया लूट का प्लान, घर पहुंचते ही डॉगी के भौंकने पर सभी भागे थे। शिवलिंग कार्बन डेटिंग मामले में 20 मार्च को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का दिया समय है। नोएडा की पहली हाइड्रोलिक वाहन पार्किंग तैयार, 1 सप्ताह में कंपनी करेगी हैंडओवर, एक साथ 400 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। आगरा में पुलिस कस्टडी से आरोपी को छुड़ाया, पुलिस सिर्फ एक आरोपी को थाने तक ला सकी। लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने अधेड़ को मारी टक्कर, मल्ले बेड़ गन्ना सेंटर के पास हुआ हादसा, व्यक्ति की मौके पर हो गई मौत। गाजियाबाद में टीटी ने यात्री को ट्रेन में पिटा, जुर्माने की रसीद मांगने पर भड़का, जनरल टिकट पर स्लीपर में चढ़ा था युवक। बहराइच में 21 जनवरी को रोजगार मेला, युवाओं को मिलेगी 20,000 की नौकरी, 71 पदों पर होगी भर्ती। चंदौली पुलिस के हत्या चढ़ा, किशोरी से छेड़खानी का आरोप, पुलिस को चकमा देकर चल रहा था फरार, पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। महिला के साथ दिखा साइको किलर, वीडियो बनाने वाले ने बताया वो चीख रही थी, लखनऊ में मिली लास्ट लोकेशन। ज्वाइनिंग के पहले महिला बाबू मांग रही घूस, प्रयागराज के मांडा सीएससी की महिला बाबू ने सीएसओ से मांगे थे 2,000 रुपए। उन्नाव में 30 को होंगे विधान परिषद के चुनाव, एसपी ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए, 2 फरवरी को होगी मतगणना। एसडीएम और पूर्व विधायक ने मीट मंडी का किया निरीक्षण, लोगों ने बीच शहर से हटवाने की मांग की। बहराइच सीडीओ ने जुड़वा बेटियों को दिया जन्म, विकास भवन में मनी खुशियां, अफसरों और कर्मचारियों ने बांटी मिठाई। कन्नौज पुलिस ने कंटेनर लूटने वाले 3 बदमाशों को पकड़ा, कंटेनर में भरे थे 1 करोड़ की कीमत के स्मार्टफोन, तमंचे और कार बरामद। हापुड़ विधायक ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से की मुलाकात, जिला अस्पताल और सीएससी में उपकरणों की मांग। देवरिया में अनियंत्रित ट्रेलर ने 3 को रौंदा, मौके पर मौत, कई थानों की पुलिस तैनात, तो चालक गंभीर। फतेहपुर में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत, साइकिल से रिश्तेदारों के यहां जा रहे थे, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर एसपी ने पुलिस लाइन में ली परेड की सलामी, भोजनालय स्टोर पर किया गया निरीक्षण। हरदोई में डीसीएम और कार में टक्कर, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर, शादी में सीतापुर से संडीला जा रहे थे सभी। श्रावस्ती में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, पड़ोसी से विवाद के बाद खाया जहर, 7 बच्चे के सिर से उठा मां का साया।
बुलंदशहर में दो अलग अलग हादसों में दो दोस्तों सहित चार की हुई मौत। मृतकों को शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में गौशालाओं में भूख प्यास और ठंड से दम तोड़ रहा गोवंश। गोवंश को ट्रैक्टर ट्राली से घसीट कर ले जाने का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में 11वीं क्लास के छात्र रहस्यमय तरीके से हुआ गायब। अनूप शहर कोतवाली पुलिस ने छात्र की शुरू की तलाश। एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी की बेनामी संपत्ति इनकम टैक्स ने किया अटैच। गोमती नगर में बन रहा था सपनों का महल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की जमानत हुई मंजूर। 2022 में जेल में बंद है विधायक। उत्तराखंड में मसूरी धलोल्टी में साल का दूसरा हिमपात। केदारनाथ में चौथे दिन बर्फबारी जारी। बोधासाव से पर्यटन पर पड़ा प्रभाव। ओली के साथ मसूरी और नैनीताल में भी होटलों में बुकिंग रद्द। बर्फबारी के चलते ध्वस्तीकरण रुका। बड़े खतरे वाले भवन मलबे के ढेर में बदला जोशीमठ। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद चांदी से चमकी वादियां। वाहनों में भर कर पहुंचने लगे सैलानी। जोशीमठ पहुंचे सतपाल महाराज। लोगों ने अधिकारियों की शिकायत तो सीएम धामी को लगा दिया फोन। लखनऊ से नैनीताल पहुंचा पर्यटक निकला पॉजिटिव। कनाडा से लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लिया था सैंपल। भूदशाओ के बीच कुछ रात भवनों में नहीं बढ़ी दरारें, लेकिन फिर डरा रहा है जलधारा का प्रभाव। उत्तराखंड के दोगांव क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने जताई ये हत्या की आशंका। अलकनंदा धौली गंगा पर 1.5 किलोमीटर दीवार रोकेगी जोशीमठ का भू कटाव। ड्रेनेज के पहले चरण की योजना तैयार। धसरा नृसिंह मंदिर परिसर का एक हिस्सा बढ़ रही। आदिगुरु शंकराचार्य के गद्य स्थल की दरारें। जोशीमठ आपदा से शीतकालीन पर्यटन को लगा बड़ा झटका। बाहरी राज्यों के पर्यटक रद्द करें बुकिंग। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बोले 20 साल से हो रही भूदशाओ की चर्चा, फिर कैसे बनी बहुमंजिला भवन होगी जांच। जोशीमठ में एक बार फिर बढ़ा पानी का रिसाव, लेकिन थमने लगी दीवार दरारों की संख्या और चौड़ाई। जोशीमठ मलारी मार्ग पर खाई में गिरा वाहन। एक व्यक्ति लापता। तलाश में जुटी एसडीआरएफ। प्रभावितों की सहमति से ही बनेगा नया जोशीमठ। सीएम धामी ने दिए फीडबैक लेने के निर्देश। ग्लोबल आतंकी घोषित अब्दुल रहमान मक्की ने जारी किया वीडियो। बोला, मैं कभी लादेन और अल जावरी से नहीं मिला।
अमेरिका में पुलिस कर्मी ने अश्वेत महिला को घूसे मारे। मैकडॉनल्ड्स में एक्स्ट्रा चीज नहीं दिए जाने पर महिला की बहस हुई। श्रीलंका ने पीएम मोदी का जताया आभार। जयशंकर बोले कोलंबो आने का मकसद एकजुटता व्यक्त करना। दक्षिण कोरिया के स्लम इलाके में भीषण आग, कई घर जलकर खाक, बस्ती छोड़कर भागे हजारों लोग। ट्रंप का बड़ा आरोप, अधिकारियों ने मुझे फंसाने के लिए मेरे घर पर फर्जी फाइलें रखवाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इराक के स्टेडियम में भगदड़, चार की मौत। 40 में साल में पहली बार इंटरनेशनल मैच हो रहा था, 65,000 से ज्यादा लोग जुटे हुए थे। महिलाओं को सेना में शामिल करेगा ताइवान, मिलिट्री ट्रेनिंग देगा चीन की ओर से, हमले का खतरा बढ़ता देख बनाई गई योजना। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, जापान में एक दिन में 451 मौतें हुई, भारत में 134 नए मामले सामने आए। फ्रांस के 200 शहरों में नई पेंशन योजना का विरोध, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ सड़कों पर उतरे 11 लाख लोग। टोंगा के ज्वालामुखी के शॉक वेव्स अंटार्कटिक तक पहुंची, 18,000 किलोमीटर दूर समुद्र में लगे सिस्मोमीटर्स में हुई रिकॉर्ड। वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धुत को बेल, सीबीआई ने 26 दिसंबर 2022 को किया था गिरफ्तार। ग्रैंड आई 10 डियोस का फेसलिफ्ट वर्जन किया लॉन्च, सिर्फ 11,000 रुपए देकर कर सकते हैं प्रीमियम हैचबैक की प्री बुकिंग। नए लोकसभा चेंबर में पेश हो सकता है बजट, पुराने भवन से 3 गुना बड़ा है, नवंबर 2022 में पूरा होना था काम। लग्जरी कार कंपनियों ने बनाए बिक्री का रिकॉर्ड, नकद बिक रही है लैम्बोर्गिनी, बेंटली, रॉयल्स रॉयल जैसी महंगी कारें। गूगल को झटका, 10% जुर्माना जमा करना होगा, सुप्रीम कोर्ट के एनसीएलटी के आदेश को बरकरार रखा। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में जल्द होगी छटनी, स्विगी अपने 6,000 के टोटल वर्कफोर्स में 8 से 10% एम्प्लॉयज को निकालेगी। एप्पल के सप्लायर्स भारत में बनाएंगे आईफोन, 14 सप्लायर्स को भारत सरकार का क्लियरेंस, जल्द शुरू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। नेटफ्लिक्स के को फाउंडर रीड हेस्टी का सीईओ पद से इस्तीफा, 2 प्रमुख सहयोगियों को सौंपी कमान। सेबी ने येस बैंक और नेपाल म्यूचुअल फंड के खिलाफ शुरू की जंग, और जल्द आ सकता है फैसला। संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को यूएई का सहारा, $2 अरब की आर्थिक मदद की मिली मंजूरी। रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेल्स डबल से बाहर, पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी के खिलाफ 2 सेट में मिली हार। उसेन बोल्ट के अकाउंट से 98 करोड़ रुपए गायब, ओलंपिक में 8 गोल्ड जीतने वाले बोल्ट हुए फ्रॉड का शिकार, गवाई सारी बचत।
अमेरिका में होगा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच। अमेरिकी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष का दावा, 2024 टी20 वर्ल्ड कप में होगी भिड़ंत। हरियाणा के खिलाड़ियों को केंद्रीय मंत्री का समर्थन, जज्जर में बोली बलियान, देश का मान बढ़ाया, आरोप बेहद गंभीर, हर हाल में जांच हो। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण ने कहा इस्तीफे का सवाल नहीं उठता, कहा मुंह खोल दूं तो सुनामी आ जाएगी। मैच के दौरान टीवी एंकर फील्डर से टकराकर गिरी, ऐसे ली की घटना, बाउंड्री लाइन पर खड़ी थी पाकिस्तानी एंकर जैनब अब्बास। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने वेल्स को 4-2 से हराया, डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की टीम थोड़ी सी चूक गई। मेसी रोनाल्डो से मिले अमिताभ बच्चन, पीएसजी वर्सेस रियाद 11 फ्रेंडली मैच में थे मुख्य अतिथि। पंद्रह साल की फुटबॉल राइवलरी का अंत, अल नासर अल हिलाल की संयुक्त टीम और पीएसजी के मैच में रोनाल्डो मेसी भिड़े। रायपुर पहुंची इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम का जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट से होटल तक लगी फैंस की भीड़। एडवांस बुकिंग के शुरू होने से पहले पठान का कमाल बिके, 1 लाख से ज्यादा टिकट, लगभग 10,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी फिल्म। गंगूबाई स्टाइल्स में पुलिस स्टेशन से बाहर आई राखी सावंत, मीडिया संग बातचीत में बताए मां की कंडीशन है क्रिटिकल। अनंत राधिका के एंगेजमेंट में भांजी के साथ पहुंचे सलमान, व्हाइट लहंगे में बेहद खूबसूरत दिखे अलीजे अग्निहोत्री। माधुरी दीक्षित ने शेयर किया डांस वीडियो, घोड़े पर सवार गाने पर दिखाए बेहतरीन डांस मूव्स। केआरके का पठान को लेकर बड़ा दावा, बोले 40% महंगी होगी टिकट, 40 करोड़ होगा ओपनिंग डे का कलेक्शन। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली के साथ बदतमीजी, फैन ने गलत तरीके से छूने का किया प्रयास। शाहरुख ने की कॉन्ट्रोवर्सियल सॉन्ग बेशरम रंग पर बात, बोले उनके अलावा कोई भी इसे इतने शानदार तरीके से नहीं कर सकता था। रकुलप्रीत सिंह ने शेयर की छतरीवाली की बीटीएस फोटो, श्रद्धा कपूर ने दी झूठी में मकार का ट्रेलर देख फैन से पूछा मजेदार सवाल। नौरा फतेही को पसंद करता था महाठग सुकेश चंद्रशेखर, एक्ट्रेस ने कहा गर्लफ्रेंड बनने पर शर्त कर लग्जरियस घर देने का दिया क्या था वादा। नो मेकअप लुक में दिखी सुहाना खान, एयरपोर्ट पर किंग खान की बेटी को देख फैंस बोली मौसम भी सुहाना कर दिया। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।